तो इसके ऊपर भी उन्होंने ये डाल दिया जी ऐसे करके। भाई देखो जी, ये हमने सीखा हुआ है जी इंस्टाग्राम यूनिवर्सिटी से के फाइनल ईयर में। तो ऐसे बाइट बना के ना उस पर ये प्याज रखते हैं जी, और पहली बाइट लिख के तो चक लो इस सारी की सारी दाल। हेलो जी, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम और सत श्री अकाल। तो दोस्तों, स्वागत है कि वीडियो पे वीडियो इस प्रकार से कि आपका भाई आज बनाने जा रहे हैं कुकर वाली भाई दाल फ्राई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बनाना, और प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं जी बनाना। भाई ये देख रहे क्या है भाई, ये दो दालें हैं, ठीक है जी। एक है जी भाई चने की दाल, ये रही, ठीक है जी। और ये रही जी भाई दुलवी मूंग की दाल, ठीक है। अब करना क्या, देखो जी ये तो कितना ही है, ये एक कटोरी है, और ये भाई ढाई कटोरी मैं ले चुका हूं, और इसे मैंने पहले साफ सुख करके रख दिया हुआ है, और पिछले आधे घंटे से भाई इस पानी में ये भिगोकर है, ठीक है, दोनों दालें। अब करना क्या है, तो डालो जी पहले भाई दुली मूंग की दाल सारी, और भाई चने की दाल भी सारी। भाई इसमें डालेंगे दो बड़ी इलाचियां, तीन चार लौंग, तीन चार छोटी इलाचियां, तीन निके निके भाई तेज पत्ते, भाई थोड़ा सा नमक, एक चम्मच हल्दी यानी कि हल्दी, भाई एक चम्मच भाई कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, भाई घर का बना हुआ देसी घी जो कि जमा हुआ है भाई ठंडा है, डाल दो भाई कितना, दो टेबल स्पून। तो जी मैंने फ्लेम ऑन कर दी है, थोड़ा मिक्स मुक्स कर दो जी चंगे से। तो जी घी मेल्ट हो चुका है, तो कर दो ढक्कन बंद। तो जी अब करना क्या है भाई, मैं तो दूंगा भाई तीन सीटियां भाई फुल फ्लेम पे, पांच मिनट रखूंगा जी लो फ्लेम पे, ठीक है, फिर गैस का फ्लेम बंद कर दूंगा, और इसकी सीटी निकलने का वेट हमने इसे केवल भाई 80-85% ही गलाना है, ज्यादा नहीं। तो जी सारी सीटी निकल चुकी है भाई, मुद्दा ये है कि गला कितना है ये, अरे ताज पत्ते थलिया भाई देख लो जी, हाँ भाई इतना ही है, 85 से ऊपर ही थोड़ा बहुत भाई, कोई चक्कर नहीं है। अब करना क्या है, तो जी नेक्स्ट कार्रवाई इस प्रकार से जी कढ़ाई लगा दी है जी, इसमें डालता हूं जी मस्टर्ड का तेल भाई 6 टेबल स्पून। तो जी इसके अच्छे खासे गर्म होने का वेट तो कर लियो। तो जी तेल ठीक ठाक गर्म हो गया, तो डाल दो जी भाई इसमें एक चम्मच भाई हींग, भाई लग गया चॉप करके भाई लहसुन भाई 2 टेबल स्पून, भाई हरी की मर्चा। तो जी भून लो, तो जी भूनना कब तक है, जब तक ये ब्राउनिश ब्राउनिश हो जाए क्या लहसुन। तो जी लहसुन अपने ब्राउनिश ब्राउनिश हो चुके हैं, जब करना क्या है भाई डालो जी प्याज भाई 3 प्याज चॉप करके, तो भून लो। तो जी इसे भूनना कब तक है, जब तक पिंकिश पिंकिश ब्राउनिश ब्राउनिश हो जाए। तो जी प्याज भी अपने पिंकिश पिंकिश ब्राउनिश ब्राउनिश हो गए, जब करना क्या है भाई डालो इसमें अदरक ओनली 1 टेबल स्पून, कर दो जी मिक्स मुक्स, बस 1 मिनट पकाओ जी इसे हाई फ्लेम पे। तो जी 1 मिनट हो गया जी पकते हुए, गैस का फ्लेम लो कर लो फटाफट से, करछी टिकाओ ऐसे। तो डालो जी पे 2 चम्मच भाई कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच हल्दी यानी कि हल्दी भाई, 2 टेबल स्पून भाई मीट मसाला, बट डाल दो थोड़ा सा पानी, गैस का फ्लेम हाई कर लो, और इसे मिक्स मुक्स करो जी चंगे से। तो जी इसे केवल 2 मिनट तक हाई फ्लेम पे पकाओ। तो जी 2 मिनट हो गए जिसको पकते हुए हाई फ्लेम पे, करना क्या जी गैस का फ्लेम लो कर लो कहीं जल ना जाए। भाई डाल दो जी इसमें टमाटर ओनली 3 टमाटर्स अलॉन्ग विथ थोड़ा सा नमक। तो जी कर दो उसको मिक्स मुक्स चंगे से भाई, गैस का फ्लेम हाई कर लो आप, ठीक है, और इसे 2-3 मिनट तक भाई पकाओ हाई फ्लेम पे। तो जी 2 मिनट हो गए जिसको पकते हुए हाई फ्लेम पे, करना क्या ये देख रहे हो क्या है भाई, ये 1 चम्मच जीरा है और 2 चम्मच भाई साबुत धनिया है भाई कूट के है भाई छिड़को भाई हरा धनिया ठोक ठोक के, तो कर दो उसको फिर मिक्स मुक्स चंगे से। तो जी मिक्स मुक्स मैंने कर दिया, करना कुछ नहीं है आपने भाई, गैस का फ्लेम भाई लो करने का है, इस पे ढक रखने के लिए भाई 20 मिनट के लिए। तो दोस्तों भाई पूरे के पूरे 20 मिनट हो गए, चक लो करना क्या है, तो डाल दो जी सारी की सारी दाल। तो जी कर दो उसको मिक्स मुक्स चंगे से, डालते जी इसमें गर्म पानी भाई, ध्यान रहे ओनली गर्म पानी भाई, पानी डालते समय चेक करना है भाई आपको किस तरह की भाई कंसिस्टेंसी चाहिए हा? तो मुझे लगता है भाई इतना पानी भाई सफिशियंट था, मैंने कोई 2 गिलास पानी मिलाया इसके अंदर, तो मिलाओ जी भाई इसमें 1 चम्मच भाई गरम मसाले का पाउडर, कर दो उसको फिर मिक्स मुक्स चंगे से। तो छोड़ दो जी सब 2 मिनट के लिए उबलने के लिए। तो जी 2 मिनट जिसको पकते हुए जी हाई फ्लेम पे, करना क्या है जी, तो डाल दो जी भाई थोड़ी सी कसूरी मेथी भाई क्रश करके, ज्यादा नहीं है 1.5 चम्मच, जी कर दो उसको मिक्स मुक्स भाई चंगे से, कड़छी बाहर निकाल लो, और इसे 10 मिनट के लिए भाई लो फ्लेम पे भाई पकने दो। तो दोस्तों भाई 10 मिनट हो गए, चेक कर लो भाई ये स्थिति है, ये स्थिति है, क्या स्थिति है, 1 मिनट जरा चेक करे दाल दूर को भी, मक्खन बन गया जी मक्खन। तो जी करना क्या, देखो करना कुछ नहीं, अगर आपका दिल करे तो इसमें भाई देसी घी डाल देना दोबारा से, और अगर आपका दिल करे तो भाई कोल्ड फ्लेवर यानी कि धुएं वाला फ्लेवर आप दे सकते हो, बट मैं कुछ नहीं करने वाला आज, ठीक है जी, हम इसको ऐसे खाएंगे। तो लो दोस्तों भाई बनके तैयार जी, करते हैं टेस्ट। तो लो दोस्तों भाई बनके तैयार हो जी अपनी भाई कुकर वाली भाई दाल फ्राई भाई 2024 की भाई पहली वीडियो अपनी भाई दाल फ्राई भाई कुकर वाली भाई। देखो यार भाई बताओ दिखने में भाई लग कैसा रहा है भाई, जो आप इसकी ग्रेवी देख रहे हो, ग्रेवी ग्रेवी तो देखो ग्रेवी क्या ही है, जो मसूर की दाल थी सॉरी नहीं जो साबुत मूंग की दाल थी वही इसकी ग्रेवी है, वो एकदम
मेल्ट हो चुकी है, वो ही दिख नहीं रही है भाई, वो है कहाँ पर इस टाइम। तो जी सारी स्टोरी होगी इसकी, और साथ में क्या ही लिया जी, साथ में लिए जी ये अंब का अचार हाँ, ते कने एक गंडे, ठीक है जी प्याज। तो भाई डिमॉन्स्ट्रेशन हो चुकी है, तो आ भाई प्यारी प्यारी दाल आ मेरे प्लेट में। ओ हो निहायत ही खूबसूरत, निहायत ही खूबसूरत यार, सच में कह रहा हूँ। देखो यार गाढ़ी गाढ़ी है, पतली पतली नहीं बनाई हमने, ये शोरबा नहीं बनाया हमने, हमने कहा ना यार गाढ़ी गाढ़ी हाँ। भाई देखो ये इसकी स्थिति है, आहा प्रोटीन ही प्रोटीन। तो आ भाई भाई जबरानजा भाई 50x, निहायती फ्लेवरफुल, निहायती टेस्टी, निहायती बहुत कुछ हाँ, मैं सच में कह रहा हूँ। भाई देखो अगर आप चाहो तो भाई इसमें धुएं वाला फ्लेवर आप दे सकते हो, चार चांद लग जाएंगे, बट मैं वो पहले का खा चुका हूँ, मैं यार इस बार ऐसा ही। तो जी बाकी लास्ट में भी आप देसी घी का तड़का लगा सकते हो भाई, जरूर लगाना, स्वाद और डबला डबला ट्रिपला हो जाएगा, हो जाएगा। हाँ भाई हो भाई देखो मसाले मैंने क्या डाला जी, भाई मीट मसाला भाई वही वाला जो मैंने बताया आपसे, इस बार मैंने भाई नॉट स्पॉन्सर दोबारा से कह रहा हूँ, भाई एवरेस्ट का मीट मसाला डाला मैंने इसमें, भाई बहुत टेस्टी है। जबकि दाल में ये चीज़ें यूज़ नहीं होती हैं, ये मीट मसाला वगैरह यूज़ नहीं होते, केवल गरम मसाला, धनिया, जीरा, लाल मिर्च, थोड़ी हल्दी, ये इसमें ही दाल निपट जाती है, हमने थोड़ा सा ऐड करके तो हाँ भाई वाह। तो जी दाल तो हमने भाई चख ली, बहुत स्वाद आया भाई, जिसके लिए बनाई है भाई उसको तो लेके आए इज्जत से। तो लो दोस्तों भाई किंग की एंट्री हो चुकी है भाई, देख रहे हो हाँ, आज किंग की एंट्री हमने कैसे कराई है नए साल में भाई, करना क्या जी, करना कुछ खास नहीं है जी, इसको पलटाना है हाँ, इसको पलटाओ भाई से तो इसको बाहर निकालने का और अवे निकलना आया इज्जत से। भाई देखो जी ये हमने सीखा हुआ है जी इंस्टाग्राम यूनिवर्सिटी से के फाइनल ईयर में, ठीक है जी ये चीज़ हमने सीखी कि भाई उसमें ऐसे सिखाया गया था जी, बाद में क्या किया जी उन्होंने ऐसे दाल चखी तो ऐथे ऐथे पा रखी ऐथे ऐथे करके हाँ। भाई देख रहे हो आप क्या शेप है हा? भाई देखो जी ऐसे किया उन्होंने यार, मैं भी चाहता था कि एक बार मैं ट्राई करके भाई देख लूँ हाँ, बड़ी सुंदर, बड़ा ही सुंदर दिख रहा था जी इंस्टाग्राम के उस रील में यार, पता नहीं इसमें कैसे दिख रहा है यार। भाई फिर क्या किया उन्होंने, फिर जी उन्होंने ऐसे करके ना इधर ऐसे कुछ किया तो इसके ऊपर भी उन्होंने ये डाल दिया जी, ऐसे करके करके डाल दिया, और ये जो समुद्री कैनल बन रही ना इधर भी डाल दो ऐसे करके, फिर उन्होंने जी ये जो प्याज है ना ऐसे सजा के रख दिया जी इसके ऊपर ऐसे करके। भाई आप ही इंस्टाग्राम यूज़ करते होंगे, आपने भी देखा होगा, एंड दिस इज द अंब का अचार जड़ा ऐथे आएगा मेरे कोल। तो जी बाकी उन्होंने खाना दिखाया नहीं, खाना कैसे होता है बस सजा के दिखा देते हैं जी एक बार, जो पीछे गाना बज रहा होता है तो अब शुरुआत हम किसे करें यार, किसे करें, इसे करें किसे, इसे करते हैं। देखो जी ऐसे करेंगे ऐसे, आ भाई पहली बाइट भाई स्वाद किंग के साथ दाल का स्वाद भाई कहर भाई जबरान सा। आ भाई अब तेरी बारी, ये दूसरा माउंटेन है जी, आ भाई चख लो इस खाएंगे अचार, वाह भाई वाह। तो जी नेक्स्ट वीडियो क्या दिखी थी मैंने रील में, ऐसे उठाते हैं जी ऐसे मिक्स मुक्स करके, अब तो ये सारा हो गया जो होना था पहाड़ गिर चुके हैं, तो ऐसे वाइट बना के ना हैं उस पर ये प्याज रखते हैं जी हैं? और पहली बाइट लेके खा लेते हैं। भाई स्वाद तो आता ही यार मेरे तो मुंह में पानी आता है जब वो करते हैं, लेकिन दिखाते नहीं खाते हुए, केवल ऐसे बना के दिखाते हैं मैं सोचा दिखाएंगे दिखाएंगे भाई खाते हुए। देखो जी क्या एरिया बन गया, देखो हाँ देख रहे हो सड़कें बन रही हैं, फोर लेन आ भाई वाह। तो जी अब मैं इत्मीनान से ये दोनों जो पहाड़ हैं भाई ओए तेज बते साइड पे भाई टेस्ट करता हूँ, ठीक है जी आप ये रेसिपी जरूर ट्राई करना, मुझे बताना भाई कैसे लगी और कैसी बनी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।